हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। एनएस एजुकेशन के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में 6 से 7 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लें और स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, एक और पॉइंट है हमारा, टेस्ट सीरीज जो है वो काफ़ी अभी फिलहाल मैंने ऑफर के तहत काफ़ी सस्ते कर रखे हैं। टीचर्स डे ऑफर में लेके आया था, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस मंदिर को जल शक्ति मंत्रालय एवं पेयजल और स्वच्छता विभाग भारत सरकार द्वारा फेज टू में फर्स्ट रनर अप स्वच्छ आइकॉनिक स्थल घोषित किया गया है। तो स्वच्छ आइकॉनिक स्थल जो घोषित किया गया है फर्स्ट रनर अप, ये होगा आपका महाकालेश्वर मंदिर। कहाँ का? उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है इसको फर्स्ट रनर अप में शामिल अभी घोषित किया गया है। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली में ये पुरस्कार दिया गया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। उन्होंने ये पुरस्कार जो है वो उज्जैन के जो कलेक्टर हैं श्री शशांक मिश्रा उनको दिया हुआ है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? आपका मंदसौर में है, ठीक है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, कमेंट करके बताएं गुप्तेश्वर मंदिर महादेव मंदिर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है। धनुष टंकारी मंदिर, ये लास्ट टाइम पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था, मैंने जानबूझ के ये ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ये आपका जो मंदिर है ये है आपका छतरपुर जिले में, ठीक है, ध्यान रखें छतरपुर जिले में है धनुष टंकारी मंदिर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जन्म के समय बाल लिंगानुपात में लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। गाइज एक और चीज है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो देखिए हम यही समझेंगे कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और वीडियो को शेयर तो आप लोग बहुत ही कम करते हैं, कमेंट्स भी बहुत कम करते हैं। अगर आप ये सब चीजें इसी तरीके से करते रहे तो एक दिन ये सीरीज मुझे फिर बंद करनी होगी, ठीक है। इसलिए लाइक शेयर और कमेंट, ज्यादा कुछ नहीं मैं आपसे मांगता हूं लेकिन ये जो चीज मांगता हूं इसको प्लीज आप कर दिया करें। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है इसमें हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जन्म के समय जो बाल लिंगानुपात है उसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में रीवा जिला जो था वो पहले नंबर पे था। और अभी हाल ही में रीवा जिले को ही बाल लिंगानुपात में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया है। और ये किसने किया है? केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी है। इन्होंने नई दिल्ली में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रभा पांडे जो थी कहाँ की? रीवा की, उनको ये पुरस्कार दिया है। और रीवा जिले को देश के 10 चुने हुए जिलों में शामिल किया गया है। आपको पता होना चाहिए जनवरी 2019 की अगर हम बात करें, हमने करंट अफेयर की मैगजीन में भी इसको बताया था, जनवरी 2019 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तत्कालीन केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने विगत जनवरी माह में नई दिल्ली में पुरस्कृत किया था। किसको? मध्य प्रदेश को, ठीक है। और योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए जो जिले हैं उनमें प्रदेश के 6 जिले चुने गए हैं, जिनमें रीवा है आपका, भिंड है, भिंड मैंने आपको 2018 की करंट अफेयर की मैगजीन में बताया था इसके बारे में कि यहाँ का जो लिंगानुपात है उसका स्तर भी काफी सुधर गया है पहले से, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और टीकमगढ़। तो आपको याद कैसे रखना है यहाँ पे, देखिए रीवा कहाँ का है आपका? बघेलखंड का इकलौता। भिंड मुरैना ये कहाँ के हो गए आपके? चंबल संभाग, ठीक है, आप ऐसे याद रख लें। भिंड मुरैना, ग्वालियर भी इससे लगा हुआ है भिंड मुरैना से। दतिया और टीकमगढ़ दोनों किसके हो गए आपके? बुंदेलखंड के हो गए, मतलब सब आस ही पास के। अगर रीवा को छोड़ दो तो भिंड मुरैना, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़ सब आस पास के जिले आपके हो जाएंगे। 2011 की अगर हम जनगणना की बात करते हैं तो रीवा जिले में जन्म के समय बाल लिंगानुपात था 885। अप्रैल 2016 में जब योजना में इसको शामिल किया गया था तब था इसका बाल लिंगानुपात 919। 2019 की अगर बात करते हैं तो ये हो चुका है अब 934। तो ये सारे फैक्ट्स जो है आपको याद रखने होंगे। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किस प्रदेश के सभी थानों को CCTNS प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जिले राज्य के सभी थानों को, ठीक है, इस CCTNS में शामिल किया गया है। और ये किसने करा है? गृह मंत्री और जेल मंत्री जो हैं, अगली पिछली बार की अगर हम बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान के समय की तो गृह मंत्रालय जेल मंत्रालय अलग अलग थे लेकिन अभी एक ही हैं, बाला बच्चन हैं इनके मंत्री। 12 जो नए थाने हैं और 210 नए वरिष्ठ कार्यालय हैं उनको क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम,
ठीक है, ये है आपका, इसमें शामिल करने के आदेश इन्होंने दे दिए हैं। पुलिस मुख्यालय में राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो जो है आपका, उसमें सिस्टम का तकनीकी संचालन भी किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो CCTNS जो है, कमांड एंड कंट्रोल रूम स्थापित कर प्रदेश के 1061 पुलिस स्टेशन जो है और 638 वरिष्ठ कार्यालय, उनको एकीकृत मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई, मतलब इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट से फायदा क्या होगा, प्रदेश के सभी अपराधियों की जो जानकारी वो सभी थानों को तत्काल उपलब्ध हो जाएगी। इवन जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स भी ये जानकारी आपस में साझा कर पाएंगे, अपराधियों का एक पूरा डेटाबेस तैयार हो जाएगा। डेटाबेस तैयार होने से उनके बारे में हम कहीं भी किसी भी थाने में उनकी जानकारी ली जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है, जो करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बनाए जाते हैं, वो इनसे बनाने में काफी आसानी हो जाएगी। किस जिले में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमिता एवं निर्यात प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये जो सही आंसर है इसका है जबलपुर। और मैं आपको बता दूं जबलपुर में ये 2 दिवसीय है और अंतरराष्ट्रीय स्तर का है महिला उद्यमिता एवं निर्यात प्रोत्साहन सम्मेलन, और इसका उद्घाटन किसने किया है, ऊर्जा मंत्री जो वहां के प्रभारी मंत्री भी हैं जबलपुर जिले के, प्रियव्रत सिंह जी, और नगरीय विकास मंत्री एवं आवास मंत्री हैं श्री जयवर्धन सिंह, इन दोनों लोगों ने वहां पर उद्घाटन किया है। उसमें 21 देश और भारत के विभिन्न प्रांतों से आई महिला उद्यमी इसमें शामिल हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, किसकी अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद का पुनर्गठन किया गया है, तो ये जो आदिम जाति मंत्रणा परिषद का जो पुनर्गठन किया गया है, ये मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में किया गया है और ये इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा आदिम जाति कल्याण मंत्री जो हैं श्री ओमकार सिंह मरकाम, ये परिषद में, ये जो परिषद का पुनर्गठन हुआ है उसके उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा नवगठित परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो वर्तमान विधानसभा कालावधि तक रहेगा, यानी कि ये विधानसभा जब तक चलेगी, यानी कि 2019 में ये शुरू हुई है तो 5 साल ही सरकार चलेगी, तो 2024 तक ये पूरा आपका इनका जो कार्यावधि है वो रहेगी। अगला है हमारा, प्रदेश में प्रत्येक आदिवासी परिवार को कितने रुपए तक ओवरड्राफ्ट लेने की सुविधा राज्य सरकार की ओर से मिलेगी, तो ये जो ओवरड्राफ्ट है मतलब वो 10,000 रुपये इस पर निकाल सकते हैं, ठीक है, ये 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट जो आदिवासी परिवार हैं वो ले सकते हैं। आपको पता होगा भी हाल ही में आदिवासी जो हैं उनके लिए काफ़ी घोषणाएँ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई हैं, प्रत्येक आदिवासी परिवार को जरूरत पड़ने पर 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट लेने की सुविधा राज्य सरकार की ओर से मिलेगी। इसके अलावा आदिवासी बहुल जो विकास खंड है उनमें 1,000 आधार कार्ड केंद्र भी खोले जा रहे हैं ताकि आदिवासी परिवार आसानी से आधार कार्ड बनवा सके। अगला प्रश्न हमारा, किस जिले में भी हाल ही में अत्याधुनिक कैथ लैब प्रारंभ की गई है, तो ये जो कैथ लैब है ये कहाँ प्रारंभ करी गई है, ये करी गई है ग्वालियर में, और इससे ग्वालियर संभाग और ग्वालियर से ग्वालियर के जो आसपास है, इवन चाहे राजस्थान की हम बात करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। और ये जो चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने कहाँ पर करी है, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हुई है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है इस तरीके की किसी भी कोई लैब प्रारंभ हुई, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय है और जयरोग्य चिकित्सा समूह है, उसमें ये कैथ लैब का शुभारंभ किया है। कैथ लैब क्या होती है, कैथ लैब क्या होती है, हृदय रोग से संबंधित जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो इस लैब में दी जाती हैं, चाहे हम एंजियोग्राफी की बात करते हैं, चाहे हम एंजियोप्लास्टी की बात करते हैं, चाहे हम आर्टिफिशियल पेसमेकर की बात करते हैं, ठीक है, और स्टेंट द्वारा ब्लॉकेज उपचार की भी सुविधा जो है वो इसमें आपकी दी जाएगी। मतलब हृदय रोग से संबंधित जो मरीज हैं उनको यहाँ पर सारी सुविधाएं जो हैं ये दी जाएंगी। कमेंट करके मुझे बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करें, चाहे आप गूगल पर सर्च करें, बुक में सर्च करें, लेकिन कमेंट करके जरूर बताएं कि गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय जो है ये आपका इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, कमेंट करके इसको आप जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जन्मी किस प्रसिद्ध महिला को डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड दिया जाएगा, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका ये होगा। ये जो डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड है ये केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, ये लता मंगेशकर को ये दिया जाएगा अभी हाल में 28 सितंबर को, ठीक है, 28 सितंबर को ये दिया जाएगा, और इनका 90वां जन्मदिन उस दिन है और 90वें जन्मदिन पे ये खिताब देने का फैसला जो है वो केंद्र सरकार ने लिया है। आपको पता होगा लता जी की
के बारे में ये पता होना चाहिए। इनको अब तक 3 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें एक फिल्म परिचय के लिए 1972 में मिला था। देखिए अब ये अवार्ड चूंकि इनको दिया जा रहा है, तो करंट अफेयर में आपके इनसे संबंधित जो अन्य फैक्ट्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस चीज को आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो 3 बार नेशनल, हालांकि किस फिल्म के लिए इनको दिया गया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया था 1969 में। इसके बाद फिर इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल गया 1989 में, फिर पद्म विभूषण मिला 1999 में, फिर भारत रत्न मिला 2001 में। आपको पता होगा सबसे पहले जो पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म भूषण के बाद पद्म विभूषण दिया जाता है, उसके बाद फिर भारत रत्न दिया जाता है, किसी को डायरेक्ट भारत रत्न जो है वो नहीं दिया जाता है, आपको पता होगा ये चीज। ठीक है, तो इनका जो पहला गाना है, वैसे तो इन्होंने मराठी फिल्म थी किती हसाल उसके लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन फाइनल कट से पहले इसको हटा दिया गया था। तो 1943 में फिर ये 42 में आई थी, 1943 में मराठी फिल्म आई थी गजा भाव, इसमें इन्होंने हिंदी सॉन्ग माता एक सपूत की दुनिया बदल दे इसको आवाज दी थी, और इससे इनका पहला गीत माना जाता है। ये प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, इनके अवार्ड से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इनको नेशनल अवार्ड कितनी बार दिया गया। तो गाइज ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।